नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब इस नई प्रक्रिया के तहत सेना में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के लिए नए तीन चरण की घोषणा की गई है। भारतीय सेना के अग्निवीर भर्ती के नए चरणों में पहले लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, बाद में ही शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके मुताबिक पहले चरण में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होगा। अग्निवीर योजना के तहत अब इच्छुक उम्मीदवारों के लिए देश भर में करीब 200 सेंटर पर पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। पहला ऑनलाइन टेस्ट अप्रैल महीने में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सेना ने तैयारी शुरू कर दी है। सेना की एक भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से भर्ती के दौरान होने वाली भीड़ को कंट्रोल किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार ही आगे की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। अग्निवीर की नई भर्ती प्रक्रिया के तहत टेस्ट यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन होगा और 60 मिनट यानी एक घंटे का होगा। इसके लिए उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सेंटर अलॉट होंगे। अप्रैल 2023 में होने वाले एग्जाम के 200 एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मिड फरवरी से लेकर एक महीने तक किए जा सकेंगे। कॉमन एंट्रेंस में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। दूसरे चरण के तहत होने वाले फिजिकल टेस्ट में महिला और पुरुष दोनों के लिए दौड़ और सेटअप के लिए पैमाने तैयार कर दिए गए हैं। महिला उम्मीदवारों के लिए 8 मिनट में 1.6 का पैमाना पार करना होगा। यही नहीं, 15 उठक बैठक के साथ ही 10 सेटअप के को पूरा किया जाएगा। वहीं पुरुषों के 6.5 मिनट में 1.6 की दौड़ लगानी होगी तथा 20 उठक बैठक और 12 पुशअप्स करने होंगे। इसमें कामयाब होने वाले महिला और पुरुष उम्मीदवार ही तीसरे चरण के टेस्ट में शामिल होंगे। पहले और दूसरे चरण में खरा उतरने वाले उम्मीदवारों के लिए आखिरी राउंड मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें सेना के तय नियमों के मुताबिक उनकी सेहत और शरीर से संबंधित फिटनेस सही होने के बाद ही उम्मीदवारों को अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा। जैसा कि हमें पता है, भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। पुरानी भर्ती प्रक्रिया में पहले फिजिकल टेस्ट पार करना होता था, फिर बाद में मेडिकल टेस्ट की बारी आती थी और आखिरी राउंड में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था। लेकिन नई भर्ती प्रक्रिया में अब कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले होगा। दरअसल सेना ने भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस पलट दी है। पिछले साल 40,000 अग्निवीरों की भर्ती की गई थी, जो अभी ट्रेनिंग पर हैं। लगभग इसमें 10,000 अग्निवीर स्थायी कमीशन पाएंगे।